हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, मैं आज कुछ आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, बस एक वीडियो सिंपल सा दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं मैक्सिमम वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज प्रकृति को, यानी कि पेड़ पौधों को खास करके बचा के रखिए। तो वैसा मैं एक वीडियो देखा हूँ, एक वीडियो जिसको मतलब मतलब कि वो यूट्यूब चैनल उनका बहुत बड़ा है, जिनका नाम है मैं मिस्टर इंडियन हैकर। तो मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा कि मैं आपका वीडियो कुछ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी प्राकृतिक से बहुत ही लगाव है। मैं मैक्सिमम वीडियो यही बोलते रहता हूँ सबको कि प्लीज़ पेड़ पौधा लगाएं, पेड़ पौधा लगाएं। तो आपको, आपका वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपका कुछ कुछ वीडियो क्लिप यूज कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। गाइस यार, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को, जी हाँ गाइस, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चीज कहता हूँ तो उसे पूरा नहीं करता, वादा करता है ना तो उसे पूरा जरूर करता है। और ये चीज टाइटेनियम आर्मी अच्छे से जानती है। भले यार कोई चीज में थोड़ी सी देरी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना वादा अच्छे से निभाता हूँ। मैं और अपना कर्तव्य पूरा करते हुए 12,000 पौधे लगाऊंगा। और उस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्लान समझाया था, लेकिन अब उस वीडियो को काफी टाइम हो गया है, तो काफी लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कभी कभी कि भाई यार उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, आपने जो पौधों की बात की थी उसका क्या हुआ। तो गाइस यार, 12,000 पौधों की बात की थी मैंने, इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन गाइस वही बात है ना, अगर आपका भाई कुछ कहता है ना तो उसे करके जरूर दिखाता है। तो गाइस यार फाइनली अब पेश है आपके सामने पूरे 12,000 पौधे, जैसे आप देख सकते हैं कि ये सच में बहुत सारे हैं, बहुत 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 सारे। देख लो क्या हुआ, 12,000 नहीं लग रहे, कुछ कम लग रहे हैं ना? मुझे भी लग रहे हैं। तो गाइस यार अब एक नजर जरा इधर भी डाल लो। सच बता रहा हूँ गाइस यार, इतने सारे पौधों को देख के है ना दिल से खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है, और साथ ही साथ इतने सारे पौधों के पास में बैठता है ना एक अलग ही फीलिंग आती है। और साथ ही साथ गाइस, इन पौधों को उगाने के पीछे की जो प्लानिंग है, कितना टाइम लगा, कैसे सब कुछ मैनेज किया, वो एक लंबी कहानी है यार। अगर अभी बताने बैठूंगा तो आप बोर हो जाओगे। तो बोर मत हो, मुझे कोई भी किंतु परंतु नहीं चाहिए, कैसे किया, कब किया, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए इस वीडियो पे लाइक। गाइस यार ये मेरे लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये मैं सबके लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से एक अच्छा मैसेज जाए पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर, ताकि जो हमने किया है, हमने अपना कर्तव्य निभाया, तो लोग एक एक करके सभी लोग अपना कर्तव्य पूरा करें। तो गाइस यार प्लान के अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो जो पौधों वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने प्लान ये बनाया था कि हम क्या करेंगे कि इन सभी पौधों को ट्रैक्टर वगैरह में लोड करेंगे और किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां पर रोड हो, और वहां पर हम इन्हें लगा देंगे और फ्री के अंदर सभी को पौधे बांटेंगे। और फिर सुबह जल्दी उठ के सभी स्कूलों में जाएंगे, उसकी सारी तैयारी हमने पहले से ही कर ली है, सभी स्कूलों में जाएंगे और वहां पर इन सभी पौधों को बांट देंगे। दिल से खुशी है गाइस, दिल से एक बात बोलो सच्ची सच्ची। देखो इन सब चीज़ों को करने के पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने ही हमें मोटिवेट किया, आप लोगों ने बार बार कमेंट्स किए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो हम भी इस चीज़ को करने के लिए तत्पर हो गए। और आप लोगों के संकल्प और आप लोगों की वजह से ही हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो एक लाइक आप सबके लिए। और राइट गाइस, तो अब हम तैयारी करते हैं इन सभी पौधों को ट्रैक्टर में लोड करने की, और आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यार, क्योंकि ये हम सभी के लिए है। गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो गाइस यार कल पूरी रात को हमने काम करके सिंपली इन सभी पौधों को इन ट्रैक्टर्स के अंदर लोड कर दिया है, और मिशन की शुरुआत करते हैं।
आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये मतलब 12,000 पेड़ इन्होंने पूरा लगाया, मतलब कि वितरण किया। और ये कुछ दिन बाद क्या होगा कि इसको काट दिया जाएगा। तो मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा, मैं वैज्ञानिक से भी कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोग क्यों फालतू का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जंगलों काटते रहते हैं, चाहे जंगल पेड़ पौधों को काटते रहते हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है ये सब, क्या जरूरी है ये सब चीज़ का, जब मतलब प्राकृतिक को आप कभी नहीं रोक सकते हैं कुछ भी चीज़ के लिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट एक चीज़ पर कामयाब हो जाएगा ना, तब चाहे जितना मर्जी काट लेना पेड़ पौधों को। आप मौसम को सटीक जानकारी दीजिए कि हाँ अर्थक्वेक आएगा या फिर बारिश आज होगा, कितना होगा, एकदम सटीक अगर दीजिएगा तो फिर मैं आपको मानता हूँ कि हाँ आप लोग सही काम कर रहे हैं। लेकिन फालतू को मतलब कि अपना फायदा के लिए, मतलब क्या बताएं, मुझे तो कुछ मतलब कि बोल कुछ फायदा नहीं है बोलने से। तो चलिए, वीडियो को अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ प्लीज पेड़ पौधों को बर्बाद ना करें और जितना हो सके लगाएं, तभी हम लोगों का ज़िंदगी आगे का अच्छे से सफर हो सकता है। नहीं तो कुछ जितना बीमारी आपको दिख ही रहे हैं, कितना बीमारी चल रहा है, आगे ऐसे भी होता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।